जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास की आंवला नवमी का महत्व और कार्तिक मास की आंवला नवमी की व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी कुछ बातें, इसका महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। दोस्तों, आंवला नवमी का महत्व आंवला नवमी इसी बात से समझा जा सकता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है ये व्रत। इस दिन उन्होंने अपने बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था, इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन जन्म लिया था। इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी पर व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें, पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मूली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन करना बहुत ही फलदायी होता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध सीधा कनक धारा स्रोत से भी है। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ आंवला नवमी का महत्व। अब बात करते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। वैसे तो दोस्तों कई कथाएं प्रचलित हैं, तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सदगुरु और शंकराचार्य जी की जो कथा है उसका मैं आपके सामने वर्णन करती हूँ। एक कथा के अनुसार एक बार सदगुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको मैं भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। वह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। देखते ही देखते बुढ़िया धनवान हो गई, सुखी रहने लगी और बुढ़िया ने मन ही मन आंवला नवमी के व्रत करने का संकल्प किया। जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
माता लक्ष्मी उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। बोलो आंवला नवमी की जय, बोलो शंकराचार्य की जय। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आंवला नवमी के कुछ उपाय के बारे में। देखिए अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो लोग पानी में आंवले का रस डालकर नहाते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गरीबों को खाना खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। आंवले का दान करना भी इस दिन बहुत शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले का दान करके हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा लगाना बेहद ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवला लगाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। अक्षय नवमी के दिन शाम को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाकर वहां वह पूरे परिवार और पड़ोसियों के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से सारे पुराने रोग दूर होते हैं। घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।